ओके क्लास, लेट्स मूव ऑन, अपना काम आगे स्टार्ट करते हैं. क्लास फर्स्ट ऑफ ऑल मेंशन डेट एंड डे. टुडे डेट इज 9 सितंबर 2020 एंड द डे इज वेनसडे. आफ्टर मेंशन अ डेट एंड डे, फर्स्ट नाइन पर क्वेश्चन उतारिए ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश. ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश. जिस तरह हम दिस और दीज के लिए ये यूज करते हैं, तो हम दूर की चीज के लिए वो यूज करते हैं जब हम दैट और दोज, किसी भी दूर की चीज, डिस्टेंस वाली चीज को पॉइंट आउट करने के लिए यूज करेंगे. तो क्या यूज करेंगे? वो यूज करेंगे. वो दरवाजा है, वो खिड़की है, वो पंखा है, वो गाड़ियां हैं, इस तरह से. ओके, That we use for singular thing or person, and those we use for plural thing or person. We use is with that and are with those. Okay? किसी भी singular चीज के लिए हमने that use करना है, और that के साथ क्या आएगा? Is. Okay? और किसी भी plural चीज के लिए हम those use करेंगे, और those के साथ क्या आएगा? Are. ओके, सिंगुलर चीज के लिए इज यूज होगा और प्लरल के लिए आर यूज होगा. सिंगुलर के लिए दैट यूज किया जाएगा और प्लरल के लिए दोज यूज किया जाएगा. तो सेंटेंस नंबर वन इज, वो मेरा बस्ता है. तो सेंटेंस नंबर वन इज, वो मेरा बस्ता है. ट्रांसलेट ऑफ दिस सेंटेंस, दिस इज माय बैग. नंबर टू इज, सेंटेंस नंबर दो, वो लड़के हैं. लड़के की बात हो रही है, मींस प्लरल की बात हो रही है. नून गुन्ने वाला है, बहुत सारे हैं, ठीक है ना? तो इसके साथ हम क्या यूज करेंगे? दोज यूज करेंगे. दोज आर बॉयज. इसी तरह जुमला नंबर तीन पे भी गौर कीजिएगा क्लास, वो मेरी किताबें हैं. किताब नहीं, किताबें. जमा यूज हो रहा है, नून गुन्ने वाला है, तो हम यहाँ पर भी दोज यूज करेंगे क्योंकि प्लरल है. दोज आर माई बुक्स. वो मेरी किताबें हैं. दोज आर माई बुक्स. जुमला नंबर चार, वो तोता है. सिंगुलर है, एक तोता है. दैट इज अ पैरट. क्लास, ये काम करने के बाद, मतलब फोर सेंटेंसेस करने के बाद, आपके पास आपके पेज पे जस्ट वन लाइन लेफ्ट बचेगी, मतलब वन लाइन बचेगी. तो आपने उसको स्किप कर देना है और टर्न करना है अपना नेक्स्ट पेज. वन लाइन, वो आपकी रिमेनिंग वन लाइन आप स्किप कर देंगे और टर्न करेंगे अपना नेक्स्ट पेज. जुमला पेज पर सबसे पहले अपना डेट एंड डे मेंशन करने के बाद जुमला नंबर पांच लिखेंगे, वो आम का दरख्त है. एक दरख्त की बात हो रही है, मतलब एक चीज है, सिंगुलर है, तो हम दैट यूज करेंगे. दैट इज अ मैंगो ट्री. जुमला नंबर छह, वो कुर्सियां हैं. कुर्सियां, वो कुर्सियां हैं, बहुत सारी कुर्सियां हैं. दोज आर चेयर्स. जुमला नंबर सात, वो मेरी घड़ी है. वो मेरी घड़ी है. दैट इज माई वॉच. जुमला नंबर आठ, वो कपड़े हैं. कपड़े मतलब बहुत सारे कपड़े. दोज आर क्लॉथ्स. जुमला नंबर नौ, वो कलम है. सिंगुलर कलम, एक कलम, दैट यूज करेंगे. दैट इज अ पेन.
इन लास्ट सेंटेंस नंबर 10, वो मेरा भाई है. दैट इज माई ब्रदर.